भी डिस्कस करेंगे। 3B में तुमको हम जो इससे पहले देखो, इसके पहले के जो वीडियो देखोगे उसमें हमने तुमको बता चुके हैं, इन सब के बारे में बताया है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इंटरचेंज कर दे देता है, ए पहले आ गया तो दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, 4+4 5 8 और 9 4 6 प्लस ये देखो इधर 9 8 4 है तो 9 8 4 मिसिंग है ना, 9 8 4 लिख दिया। इसी प्रकार से इसमें भी इधर 8 6 4 हो जाएगा लिख देना, और 8 0 6 3 को जो है 8 0 0 प्लस 8 0 6 3 लिख सकते हैं या 8 0 6 3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये देखो इसमें जो है एक इसको लिया है तो 5 7 4 इधर कर दिया तो 7 9 9 यहाँ लिख देना, जैसे देख लो ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट कर देना, ठीक है। और देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक द रिवर्सिंग द ऑर्डर एडेंट्स, ठीक है। तो इसमें देखो जो है इक्वल करके जो है पहले 114 लिख देना, फिर 1600 509 लिख देना, इसमें भी ऐसे पहले 548 सब प्लस जो है 2359 लिख देना, ठीक है। अब देखो इसका जो है 3 है ना, तो इसमें हम देखो हम दो कर देते हैं। देखो ये जैसे लिखा है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग एड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। इसमें देखो मूल बात है तो ऐड ही करना है इसमें, ठीक है, ऐड करना है तो जो है ऐड करोगे ये सब ऐड करोगे डिजिट तो देखो यही आएगा आंसर तुम्हारा 7 3 10 0 और फिर 1 आया कैरी 5 1 6 6 12 और कैरी 1 8 1 9 9 7 16 6 वो कैरी 1 9 1 10 10 अप टू 12 2 कैरी 1 1 1 2, ठीक है। इस प्रकार से दोनों जो है ऐड कर रहोगे, अब इसमें भी ए ऐड करोगे तो भी वही आएगा और जो है जो भी है, ठीक है। तो फाइंड द सम तीसरा जो है जो इसका सम निकालना है और इसका भी सम निकालना है, तो इसमें भी जैसे सेकंड में भी था इसको कर दिए, अच्छा है ऐसे प्लस 1 1 1 6 5 0 9 करोगे तो भी 1 6 6 2 3 आएगा, 2 8 6 7 प्लस ए तुमको दूसरा का बता रहे हैं 1 9 7 5 3 करोगे तो भी 2 2 6 2 0 आएगा, ठीक है। इसमें देखो जो है इसको सम कह रहा है ना, इधर ब्रैकेट में है इधर ब्रैकेट में है, तो देखो अब इसका पहले जो ब्रैकेट वाला है पहले उसको सम करेंगे, 8 6 14 के 4 आस लगा एक का, 9 4 13 13 1 14 के 4 हंस लगा एक का, 4 1 4 5 1 6 4 10 के 0 हंस लगा एक का, 2 1 1 1 2, ठीक है। और फिर 8 3 5 8 9 कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। फिर देखो फिर ये इसको भी कह रहा था फाइंड करने के लिए ना, ये यहाँ पर ये, तो अब इसको हम लोग फाइंड करते, देखो इसको ऐड कर दिया तो 4 0 8 7 आ जाता है, 15 4 6 में ऐड कर दिया तो जो है, तो इसको इस लॉ को कहते हैं, पूछ रहे फिर कह रहा है स्टेट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, तो एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है चौथा देखो, चौथा डिटरमाइन ईच ऑफ द सम गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको सम निकालना है सबका, तो चौथा देखो चौथे का जो है सम जो है, जैसे मान लो एक बार इसको ऐड करके निकाल दिया इसका सम, एक बार इसको ऐड करके निकाल लो सम, तो अब इसको ऐड कर लो, ठीक है। जैसे हमने देखो इसका जो है हम तुमको 3rd बता दे रहे हैं और 6th बता दे रहे हैं, बाकी तुम अपने से पढ़ लेना। तो 3rd देखो इसका ये था, तो हमने इसको ब्रैकेट में लेकर के इसको ऐड कर दिया, 9 8 17 के 7 हंस लगा एक का, 7 1 8, ठीक है, 4 2 6 6, ठीक है। अब 5 1 इसको ऐड किया तो 2 1 3
2 9 11 1 कैरी 1, 6 4 10 1 11, ठीक है। तो स्क्वायर किया ऐसे आ गया, ठीक है। इसी का छठा है, अब देखो ये सब ऐसे था तो हमने बीच बीच में हमने ब्रैकेट कर लिया था, तो ऐड कर लिया था, ठीक है। अब देखो 2 3 5, अब 4 5 9, ये जो है 4 6, देखो इस स्टेप की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ देखो ये था, ये ब्रैकेट यहाँ मत लगाना तुम जो, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे 9 45 46 हो गया 91, और 47 48 हो गया 95, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग इसको इसको अगर इसको एक जगह कर दें, और इसको और ये इसको एक ब्रैकेट में कर दें, तो देखो तो ए भी 100 हो जाएगा, ए भी 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐड करने में आसानी होगी, तो ये 200 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी भी क्वेश्चंस तुम कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लो इसको 2 को कर दिया, 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 ठीक है। और जैसे 99 99 प्लस 1 कर दो पहले, ठीक है, फिर 98 प्लस 2 कर दो, 97 प्लस 3 कर दो, 96 प्लस 4 कर दोगे तो सब 100 100 आ जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, इसको इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो ये जो है ये भी 10,000 हो जाएगा, और जो है ये 10,000 है, 20,000 हो जाएगा, और ये जो है इसको साथ ऐड कर दोगे तो 10 ये भी बदल जाएगा उसी तरह से, ठीक है। अब पांचवा देखो, फाइंड द सम बाय सॉर्ट मेथड से तुमको सम निकालना है, ठीक है। ये पहला ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहला हमने लिखा, तो सॉर्ट मेथड से इसमें जो है माइनस अगर 1 कर दें तो ये आ जाएगा ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसमें ऐड करना है तो देखो जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐड कर लिया फिर इसमें माइनस 1 कर दिया, आ गया ये आंसर, ठीक है। और इसमें जो है एक क्वेश्चन तुमको अपने खुद से बनाना है, ठीक है। फॉर एनी होल नंबर, किसी भी होल नंबर ए बी सी के लिए जो है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस बी जो है सही है, गिव रीजन, रीजन बताना है क्यों सही है। अब देखो छठा पूछ रहा था ना कि जो है ये सब होल नंबर है तो इसके लिए जो है ट्रू कैसे होगा, तो जो है ये ट्रू है क्योंकि जो है एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव लॉ के कारण जो है एडिशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। तो इसमें देखो कम्यूटेटिव लॉ में देखो ए और ये देख लो, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में देख लो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो ऐसे है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में ए प्लस बी बी प्लस ए हो जाता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ कहाँ पर लग रहा है, कम्यूटेटिव लॉ जो है कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जा रहा है, प्लेसेज को इंटरचेंज कर दे रहे हैं ना, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है, और जो ब्रैकेट्स लिया जा रहा है ये एसोसिएटिव लॉ लग रहा है, ठीक। तो ठीक है, आप समझ में आ गया होगा तुमको। अब देखो ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्क्वायर बाय अप्लाइंग मिसिंग नंबर्स। तब देखो 2 5 ये जो 15 हो गया, कैसे 8 2 10 प्लस 5 15, देखो 15 तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। और ये देखो 9 5 8 2, ठीक है। अगर डायगोनली करते हैं 8 प्लस 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जा रहा है 8 2 10 प्लस 5, यानी कि 15 हो जा रहा है, ठीक है। तो 9 5 9 प्लस 5 देखो 14 हो गया, अगर प्लस 1 कर दिया जाए तो ये भी 15 हो जाएगा। अब देखो 8 इधर से देखो 8 प्लस 1 प्लस 9 हो गया, अगर यहाँ पर हम 6 कर दें तो 9 6 15 हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो ये 6 प्लस 2 प्लस, अगर यहाँ पर हम 6 2 8, 8 अगर 7 कर दें, यहाँ 7 कर दें, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 7 प्लस 5, 7 5 12, अब प्लस अगर 3 कर दें तो भी 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 2 9 प्लस 2 प्लस, मेरे को ऐसे कर लो, 2 प्लस 9 प्लस, अगर यहाँ पर 9 2 11 4 15, तो यहाँ पर अगर 4 कर लें तो देखो 4 3 7 8 7 15, और सब बराबर हो गया ना, चाहे जैसे ऐड करोगे सबका एडिशन 15 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ये कर लेना। अब देखो हम इसका हम चौथा बता देते हैं, सातवां का चौथा हम बता देते हैं। ठीक है, चार चार कॉलम है, देखो ये 18 लिखा है, ये 17 लिखा है, ये 4 लिखा है, ठीक है, फिर 14 11, फिर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो अब देखो डायगोनली देख लो पहले, 19 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 4, तो 9 4 14 4 18 हो गया, 18 18 और 9 कितना हो जाएगा, 20 27 27 27 19, ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लेते हैं, 9 तो ये हो गया 28, प्लस ऐसे कर लिया तो ये 14 4 14 4 कितना होता है, 18 हो गया, 8 8 16 16, लगा 1 का 2 1 3 4, ओके। तो देखो सबका सम जो है, यानी कि ये जो है 46 आएगा। ठीक है, तो अब हमें 46 ए आएगा, तो अब देखो अब इधर से भी देखना है, तो अब देखो यहाँ पर देखो ये है पहला, देखो पहला कॉलम जो है इधर से ले रहे हैं। ठीक है, इधर से 4 प्लस 11 प्लस कितना एक्स मान लो, प्लस 16 इज इक्वल टू 46, यहाँ कितना आएगा, 11 6 11 4 11 4 15, 15 प्लस एक्स प्लस 16 46, 15 15 30, 1 1 31 प्लस एक्स 46, तो एक्स बराबर 46 माइनस 31 5 15, ठीक ऐसे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप हमने तुमको बता दिया, डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो ऐसे, जैसे मान लो 17 है प्लस 14 है और प्लस 10 है, और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो जो है एक सबका सम कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए ना। तो अब देखो 10 4 7 11, वह कैरी 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 3 4, ठीक है, प्लस एक्स इजिकल टू 46, एक्स बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 46 माइनस 41 बराबर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा ये। ठीक है, और देखो अब फिर यहाँ देखो यहाँ पर अब यहाँ जो जहाँ पर एक एक कॉलम है पहले वहाँ वहाँ को पहले फिल करोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर देखो 19 है, एक कुछ नहीं है, यहाँ पर 16 है। ठीक है, अब देखो इसका भी 46 आना चाहिए, तो 6 5 11 11 9 20 कैरी 2 आ गया। ठीक, तो 1 1 2 2 2 2 4 प्लस एक्स 46, यहाँ पर एक्स कितना हो गया,
बराबर 6। तो यहाँ पर हम जो है 6 अगर फिल कर दें तो 46 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो एक्स है, 9 है, 10 है, 15 है, यहाँ 46 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 5 9 5 14, क्योंकि 0 है तो 9 5 14 4, हंस लगा 1 का, 1 1 2 1 3, 46 एक्स बराबर 46 माइनस 34, 6 में से 4 जाए 2, 4 में से 3 जाए 1, ठीक है। और तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, यहाँ पर 12। फिर देखो यहाँ पर तो 18 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 6 इजिकल टू 46 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 9 6 15 15 15 8 23, कैरी 2 2 1 3 प्लस एक्स इजिकल टू 46। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बराबर 46 माइनस 33 यानी कि 3 1 13, ठीक है। तो यहाँ पर 13 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे जो है, अब देखो x प्लस 18 प्लस 17 प्लस 4 बराबर 46 होगा, इस कॉलम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 4 11 11 8 19, नस लगाए का 39 प्लस x इजिकल टू 46, x बराबर 46 माइनस 39 इजिकल टू 16 में से 9 जाए 7, तो अब इसको चाहे ऐसे ऐड करो चाहे जैसे ऐड करो, तो ऐसे ही ऐड कर दो, एक्स प्लस 13 प्लस 14 प्लस 11 इजिकल टू 46, इसका मतलब जो है प्लस है ना 538, 538 3 प्लस एक्स इजिकल टू 46, एक्स इजिकल टू 46 माइनस 38, 16 में से 8 जाए 8, ठीक है। अब तो इसी प्रकार से तुमको इस क्वेश्चन को कर डालना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें 8वां ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। 8वां सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर फॉल्स है, कैसे फॉल्स है। आठवां देखो, आठवां का पहला, जैसे मान लो 3 और प्लस 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ए भी ऑड है, ए भी ऑड है, कोई भी मान लो 13 प्लस 15 को अगर 5 3 8, तो ए भी देखो इवन, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड नंबर, तो ए होगा फॉल्स क्योंकि इवन आएगा, ठीक है। आठवां का दूसरा देखो, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर, तो कह रहा है जैसे मान लो 4 है प्लस 6 बराबर जस्ट 10 आ गया, और चेक कर लो 12 प्लस 14, तो भी देखो, तो इसलिए इवन नंबर तो ए हो गया ट्रू, ठीक है, दूसरा ट्रू हो गया, ठीक है। तीसरा सम ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑड नंबर, हाँ ट्रू होगा। देखो कह रहा सम ऑफ एन इवन, इवन नंबर मान लो 4 हो गया और ऑड नंबर ले लिया 5, तो हो गया 9, तो ये जो है हमेशा जो है ये तो देखो ये कह रहा है ऑड नंबर होगा, हाँ ऑड होगा हमेशा। देखो जैसे 13 प्लस 12 3 2 5 25, ये भी ऑड हो गया, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है तीसरा ट्रू है, ठीक है। तुमको ये हमने समझाने के लिए उदाहरण ये लिखना नहीं है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है ये समझ लो, ठीक है, इसलिए खत्म हो गया।